Good afternoon, everyone present here. On behalf of Admission Committee and IQAC Garvey College, I welcome you all to today's webinar on SUET Common University Entrance Test. As you all know, from this year, Delhi University will be having admissions through entrance tests and not on the basis of marks as we have earlier. Switching to this new mode has thrown up lots of challenges, doubts and queries with regard to the admissions process. Today's webinar is an initiative in this direction only. The objective of the webinar is to highlight the key points related to the admission process and to clear the doubts and queries with regard to the same. Today we have amongst us our very own colleague, Mr. Siddharth Rathore, who will be speaking on the modalities of the admission process. Without taking much of your time, I now invite our principal, Pramila Kumar, to give her the introductory remarks. Over to you, ma'am. Yadav, isko band karwaiye zara. Good afternoon, everyone. Namaskar. I extend a very warm welcome to our admission committee, that is Dr. Shweta Mishra, Dr. Renu Agarwal, Dr. Nidhi, the IQAC, Dr. Shalaja, and Anita Bhatt is also there as a member of this organizing committee. And of course, how can I forget Mr. Siddharth Rathore, who will be enlightening us today on the CUET. I also extend my welcome to all the aspirants of admission, all the admission seekers to Delhi University, and parents, if CUET, as it says, the Common University Entrance Test. आप सब लोग जो भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, मतलब अगर आपके 98% मार्क्स आए हैं, 97% मार्क्स आए हैं, तब भी सोचना पड़ता है कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो शायद इसी दुविधा को दूर करने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, जो कि एक तरफ से तो मैं सोचती हूँ ये बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो इट्स अ डबल अटैक ऑन अस, मरो का टुकड़ा आघात हो गया। एक तो हम ट्वेल्थ का एग्जाम दें और फिर इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एक कॉमन परसेंटेज की बात करते हैं तो ये इतनी हाई कट ऑफ आती कहाँ से। हमारा देश विविध विविध प्रांतों में बटा हुआ है, हर प्रांत में अलग तरीके का एग्ज़ाम होता है, अलग तरीके की मार्किंग स्कीम होती है, किसी स्टेट में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्टेट ज़्यादा नंबर देता है, उसका स्कीम इस तरह का है, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होता है। सो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक यूनिवर्सिटी का नया इनिशिएटिव है जो हमारी नई शिक्षा नीति को भी समर्थन करता है। इस एग्ज़ाम को देने का एक फ़ायदा तो ये है कि सब लोग एक ही पटल पर हों, ऑल इंडिया का सेम प्लेटफॉर्म, सेम क्वेश्चन को भी आस्ट, सेम काइंड ऑफ मार्किंग में भी गया, सो देर विल बी नो पैरिटी। सो हूसोएवर डिजर्व द सीट विल गेट अ सीट। यही एक मेन मोटिव है इस एग्ज़ाम को रखने की। ये सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जितना अधिकार इसके दिल्ली वालों का है उतना ही अधिकार दूसरे स्टेट वालों का है। ऐसा भी हो सकता है कोई एक स्टेट बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है और वो 95, 96, 97 नहीं ला सकता, तो उसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से दूर क्यों रखें, उसको भी इसमें शामिल करना है। इसी तरह किसी स्टेट में शायद ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पैटर्न इस तरह के उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमारे दिल्ली वाले क्यों पीछे रह जाए। इन सब की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, जो आप सबके फायदे के लिए है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे पास मिस्टर सिद्धार्थ राठौर हैं, जो कई कॉलेजेस में पहले भी वेबिनार दे चुके हैं और वो भी कई लोगों को काउंसिल कर चुके हैं। So we are fortunate to have such a gem with us today. So I think now I should hand over the dice to, hand over the platform to
Siddharth. Over to you, Dr. Smita, Dr. Siddharth. Thank you so much, ma'am. And at the end, I want to wish all the best to all the aspirants of Delhi. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Anita Bhatt, member IQAC, to introduce the speaker for the day, Mr. Siddharth Rathore. Anita, over to you. Thank you, Dr. Mishra. Good evening, everyone. I am Dr. Anita Bhatt. On behalf of IQAC, Gandhi College, Delhi University, it is an honor for me to introduce our esteemed speaker, Mr. Siddharth Rathore. Mr. Rathore works as assistant professor in the Economics Department of Gandhi College, University of Delhi. A major part of his job entails training young minds in the field of economics, research, and data science. He has a master's in economics from Delhi School of Economics and has done his PGDM in artificial intelligence and machine learning from the University of Texas, Austin. He is currently pursuing law from University of Delhi. Apart from university teaching, he was invited as a resource person on economics and public policy issues to senior bureaucrats at the Indian Institute of Public Administration, NITI Aayog, and many more. Now I request Mr. Rathore to address the participants on the topic CUET 2022. I hand over the virtual mic to Mr. Rathore. Over to you, Mr. Rathore. Thank you very much, Dr. Anita Bhatt. Let me just share my screen. I don't have the access to the co-host. If I can be made the co-host, I need to present my screen. Anuji? Yes, I have the option now. I hope my screen is visible. Yeah. Okay. Yes, it is. Thank you. It is visible. Thank you. So let's start. The mode of my presentation will be bilingual. I will be repeating the same thing in English and Hindi for better understanding for the audience. So Hindi or English, dono mein bataunga. सबसे पहले हम CUET की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जनरल CUET का स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो इफ़ यू सी द CUET स्ट्रक्चर, द फर्स्ट सेक्शन दैट इज टॉक्ड इन CUET इज़ अ लैंग्वेज टेस्ट. अब यहाँ पर NTA जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है, यहाँ पर उसने लैंग्वेजेस को सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B में बांटा हुआ है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में हमने दोनों को मर्ज कर दिया है, बट अगर आप जनरल अगर आप NTA का अगर आप देखेंगे पैटर्न, तो उसमें ये दो सेक्शंस में हैं जो आपकी टिपिकल जो आपके लैंग्वेजेस हैं, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो सेक्शन 1A में हैं एंड 1B के अंदर आपके फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं. और इसका पैटर्न जो होगा, इस द पैटर्न इन विच यू विल बी आस्क्ड द एग्जामिनेशन विल बी दैट यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चंस यू वुड हैव टू अटेम्प्ट 40 ऑफ देम and you will get 45 minutes for each language test that you're going to give. तो आपको पास 45 मिनट मिलेंगे language test के लिए. यहाँ पर आपके पास 50 question होंगे जिसमें से आपको 40 question करने होंगे. अगर किसी ने class 12th के अंदर हिंदी और English भी लिया हुआ है तो आप दोनों languages भी ले सकते हो. We'll come to Delhi University in detail. Then इसमें question types क्या होंगे, इसके अंदर आपका factual questions होंगे, आपके essay type questions होंगे कि छोटा सा paragraph है और उस paragraph के बाद आपके पास 3-4 comprehension questions हो गए. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपके पास लैंग्वेज आपको कितनी अच्छी तरीके से आती है, सो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, और उसमें से 4 ऑप्शंस की ये कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो आ सकता है. सो इस तरीके के लैंग्वेज बेस्ड पेपर होगा. आपका लिटरली एप्टीट्यूड, आपको सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं इस तरीके से, और वोकैबुलरी पूछ सकते हैं. आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे इंग्लिश के, फॉर एग्जांपल एक वर्ड दे दिया हेटर्स और उसका मीनिंग पूछ लिया कि क्या मीनिंग है इसका. सो इस तरीके का आपका ये एग्जामिनेशन होगा लैंग्वेज टेस्ट का. देन कम्स योर डोमेन टेस्ट. अब डोमेन टेस्ट जो है, यहाँ पर हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं. जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ वही डोमेन ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं. एट मैक्सिमम एक स्टूडेंट 6 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकता है, और हर आपको डोमेन के लिए आपको रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा.
सो आई विल ऑल्सो शो यू कि आप किस तरीके से हर हर यूनिवर्सिटी का BOI देख सकते हैं और उसके अंदर बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं NTA की वेबसाइट पे, और कौन से आपको यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, कौन से कोर्स कैसे चूज़ करना है, उसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास मैथमेटिक्स आपका पेपर जो है वो कंपलसरी हो जाता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBE करना चाहते हैं या BBA FIA करना चाहते हैं तो आपके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी हो जाता है अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स कंपलसरी होने के बाद। सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो ये भी MCQ बेस्ड टेस्ट है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस पर डोमेन पूछे जाएंगे एंड उस 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 45 मिनट्स आपके पास हर उसके लिए होगा। अब यहाँ पर बात की गई है कि सिलेबस जो है क्लास 12th का है। आई हैव स्पोकन टू ओवर 100 पेरेंट्स टिल डेट एंड कई जगहों पे मुझे कई स्टूडेंट्स कई पेरेंट्स बोलते हैं कि जो टेस्ट का जो सिलेबस है वो कई बार 11th का भी है। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये CBSE का सिलेबस नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया स्टेट बोर्ड CBSE ICSE सबका मिला के है। तो इसीलिए आपको सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस नहीं देखना, आपको NTA की वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखना है और उसको कवर करना है। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बाद में बात करूँ, 309 जो आपका ऑप्शन है उसमें 11th के भी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें है और 12th का भी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आपको NTA का आपको सिलेबस देखना है रादर देन वर्ड टू वर्ड योर क्लास 12th सिलेबस। देन कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट विच इज़ जनरल टेस्ट। नाउ जनरल टेस्ट विल बी समथिंग ऑफ अ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेजेस के ऊपर क्वेश्चन, यू कैन हैव टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, GK के एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनफैक्ट होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके के आपके पास एक जो टेस्ट है वो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, अ काइंड ऑफ अ मिनी कैट आप बोल सकते हो या मिनी CSAT जो सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, उस तरीके का आपका एग्जामिनेशन है। ये जो एग्जामिनेशन है दिस विल बी ऑफ 60 मिनट्स एंड दिस इन दिस एग्जामिनेशन यू विल हैव 75 क्वेश्चंस ऑफ विच 60 नीड्स टू बी अटेम्प्टेड। सो दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ CUET। ये CUET का स्ट्रक्चर है। अब CUET की अगर हम बात करें तो CUET की एग्जाम की हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होगी। उस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो और आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, बिकॉज यूजुअली हमारे पास जो एप्लीकेशंस जो आती थी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, अगर हम लास्ट 2-3 साल में देखें तो 4 लाख एप्लीकेशन 3 लाख एप्लीकेशंस के अराउंड आ रही हैं। बट क्योंकि अब ये नेशन वाइड एग्जामिनेशन है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट माइट क्रॉस इवन 10 लाख एस्पिरेंट्स एंड everyone विल बी आइंग towards द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ द बेस्ट courses। सो यू नीड टू diversify योर पोर्टफोलियो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए एज यूनिवर्सिटीज़ एंड मल्टीपल कोर्सेज होने चाहिए टू सेव गार्ड योर सेल्फ कि आपको एटलीस्ट कहीं सीट मिल जाए। देयरफॉर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो पहले आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का आप कोर्स की लिस्ट बनाएंगे कि आपको उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स में चाहिए, BCom में चाहिए, BA प्रोग्राम में चाहिए, हिस्ट्री में चाहिए, ज्योग्राफी में चाहिए, आप वो लिस्ट बनाएंगे और हर कोर्स की एक अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लास 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, बट उसके अलावा एक और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, वो है कोर्स स्पेसिफिक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, ये जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, जहां पर आपको बताया जाएगा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको ये टेस्ट देने ज़रूरी हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको BCom ऑनर्स करना है तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है। टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो आपके पास लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन मिनिमम है। बट अगर आप BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की करना चाहते हो, उससे हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। तो इसीलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि हर कोर्स की यूनिवर्सिटी की कोर्स एंड यूनिवर्सिटी कोर्स की जो कॉम्बिनेशन है उसकी क्या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स NTA की वेबसाइट पे दे रखी हैं, तो आपको ये पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो मैं पेरेंट्स को कई बार हेल्प करता हूँ तो कई बार वो सिर्फ 3 या 4 कोर्सेज लेके अपना उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, और एट टाइम्स मैं उनको फिर 17-18 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, सो दैट आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो
जब आपके पास मार्क्स आ जाएंगे तो आप चूज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रीमियर कोर्स ले लीजिए, बट एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, दिस इज व्हाट आई वांट टू इम्प्रेस अपॉन. देन व्हाट आर दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन CUET? अगर हम ये देखें तो हमारे पास सबसे पहले है, या तो आप दो लैंग्वेजेस ले सकते हो, 6 डोमेन पेपर्स ले सकते हो और 1 जनरल टेस्ट, तो टोटल आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन लिख सकते हो CUET में वो 9 examinations हैं. इसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे, मैं आपको लाइव एक डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट लेंगे. या फिर आप 3 लैंग्वेज पेपर ले सकते हो एट मैक्स, ठीक है, एट मैक्स है ये 5 डोमेन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक जो आपने एक्स्ट्रा लैंग्वेज पेपर लिए उस वो आपने डोमेन के बदले में लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 languages, 5 domain subject और 1 general test, तो दोनों तरीके से आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेपर्स जो आप दे सकते हो CUET के अंदर वो 9 papers हैं. नाउ लेट्स कम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इट्स CUET रिक्वायरमेंट्स. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के CUET रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं कि आपके पास Section 1 है जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाल रखी हैं, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना मैंडेटरी है. अगर आप लैंग्वेज नहीं चूज़ कर रहे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप लैंग्वेज कोई ना कोई एटलीस्ट एक चूज़ कर रहे हो. और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सेम होगा कि हर लैंग्वेज के केस में 50 questions होंगे जिसमें से 40 attempt करने हैं एंड 45 minutes आपको उस लैंग्वेज के लिए मिलेंगे. देन यू हैव डोमेन्स. डोमेन्स यहाँ पर हमने जो सेक्शन 2 है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर लिस्ट B1 एंड B2 बनाया हुआ है. अभी मैं वो लिस्ट आपको दिखाऊंगा, उसमें से आप अपने डोमेन्स चूज़ कर सकते हैं. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि आप वही डोमेन ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ वही कंसिडर सब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे एज डोमेन जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं. आप बाकी यूनिवर्सिटी के लिए आप और डोमेन्स ले सकते हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. एंड अ स्टूडेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 6 subjects. अब यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम 3 domain ही भरें क्या? बट यहाँ पर अगर आप सिर्फ 3 domain भरेंगे, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अगर आप सिर्फ 3 domain भरेंगे तो आप चांस ले रहे हैं. सपोज आपने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज अपने डोमेन भर दिया, ठीक है, और किसी आपका पेपर फॉर एनी रीज़न आपका अकाउंट इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपके बेस्ट कॉलेजेस तो रूल आउट हो गए. तो इसीलिए आपने जो भी क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उनको तो आप भरी दीजिए, जस्ट इन केस अगर एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी रह जाते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. क्योंकि इन दिल्ली यूनिवर्सिटी वी विल टेक दी बेस्ट ऑफ 4 और बेस्ट ऑफ 3 डिपेंडिंग ऑन दी कोर्स रिक्वायरमेंट. तो अगर आपने 5 domain भी लिए हुए हैं तो हम उसमें से आपका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे. ये बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन है, सो आई वॉन्टेड टू क्लियर दिस आउट हेयर इट्सेल्फ. सो यहाँ पर अगेन आपको हर डोमेन के लिए 50 questions होंगे जिसमें से आपको 40 questions करने हैं एंड 45 minutes मिलेंगे आपको ईच पर्टिकुलर डोमेन के लिए. इट विल बी एन MCQ बेस्ड टेस्ट एंड क्लास 12th. अगेन यू हैव टू सी क्लास, व्हेन आई से क्लास 12th, प्लीज़ फॉलो द NTA सिलेबस एंड नॉट जस्ट योर क्लास 12th सिलेबस. देन जनरल टेस्ट मैंने आपको बताया कि कुछ कोर्सेज के लिए, आई जस्ट टेल यू कि कुछ कोर्सेज के लिए ये मैंडेटरी है और कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल है. 3 courses के लिए मैंडेटरी है, बाकी 2 courses के लिए ऑप्शनल है. आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अल्टीमेटली वी आर सेइंग कि एक लैंग्वेज एंड मैक्सिमम ऑफ 3 languages ले सकते हैं. देन उसके अलावा आपको जो डोमेन सब्जेक्ट लेना है उसके लिए आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चेक करनी है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. हम कुछ प्रोग्राम्स लेंगे जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं और उसकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है हम वो देखेंगे. एंड जनरल टेस्ट जो है इट इज़ कंपल्सरी फॉर 3 courses, BBE, BBA, FIA एंड BMS. इन 3 courses के लिए आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी है. तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट येस करना चाहिए. एंड आपको इन जनरल येस करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि कोई हार्म नहीं है. बाय चांस अगर वो पेपर इजी आ जाता है और आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो आपके पास BA प्रोग्राम के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन खुल जाएगा. BA प्रोग्राम के लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन, BCom प्रोग्राम के लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन खुल जाएगा. आई जस्ट एक्सप्लेन when we'll टॉक अबाउट दी डोमेन सब्जेक्ट्स, ईच प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, तब हम इनके बारे में बात करेंगे. सो अल्टीमेटली अ मैक्सिमम ऑफ 9 papers इज़ वॉट यू कैन टेक एंड वी विल टेक द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन
फॉर दी स्टूडेंट, जो जैसा हम आज तक करते हुए आए हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम शेड्यूल. हाउ इज़ द एग्ज़ाम शेड्यूल देयर? तो सबसे पहले अगर ये भी अगेन एक इशू, कॉमन इशू है पेरेंट्स के साथ में कि हम ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट आपको लेना है कि नहीं लेना है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन देना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मिनिमम टू मिनिमम आपको तीन डोमेन तो देने ही पड़ेंगे. तो आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट जो आएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी. तो आप लैंग्वेज को सपोज आपने इंग्लिश ली हुई है तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए. उसका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड उसके आपके पास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 40 क्वेश्चंस हैं. तो 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर बन जाएगा 45 मिनट्स का. सबसे पहले आपका ये पेपर होगा, देन यू हैव टू डोमेन्स. उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट में दो डोमेन आपको चूज़ करने होंगे और उसमें भी हर जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का होगा और उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो 200 मार्क्स के आपके ये दो डोमेन पेपर हो गए. टोटल 400 नंबर का ये पेपर हो गया, 200 नंबर का वो हो गया, टोटल 600 मार्क्स के ये पेपर हो गए. और हर डोमेन के लिए 45 मिनट्स, तो 90 मिनट्स का ये आपका ये वाला शिफ्ट हो गया फॉर डोमेन एग्जामिनेशन. एंड देन जनरल टेस्ट जो है उसके लिए 300 मार्क्स का ये जनरल टेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 75 एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. तो 300 मार्क्स का ही हो गया एंड यहाँ पर 60 मिनट्स आपको मिलेंगे. तो टोटल जो ड्यूरेशन है आपके मॉर्निंग शिफ्ट की वो एट मैक्स जा सकती है 3 hours and 15 minutes. आई विल आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन दी चैट बॉक्स. आई विल जस्ट गो थ्रू दी चैट बॉक्स आफ्टर दी प्रेजेंटेशन इज ओवर. एंड मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इनफ ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने ये नेगेटिव मार्किंग शायद से पहले नहीं देख रखी हो. तो इसीलिए वो NTA भी अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रैक्टिस टेस्ट लेके आएगा, कुछ प्रैक्टिस सेंटर्स भी NTA बना रहा है. तो मेक श्योर यू गिव एम्पल प्रैक्टिस टू दिस, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको -1 मिल रहा होगा वहाँ पर. देन आफ्टरनून शिफ्ट में आप या तो एक लैंग्वेज ले सकते हैं या मैक्सिमम दो लैंग्वेज ले सकते हैं, एंड वो भी 200 मार्क्स का हर लैंग्वेज होगा एंड 45 मिनट्स का अगर वो पेपर होगा. तो अगर आपने पास सिर्फ इंग्लिश है आपके पास क्लास 12th के अंदर, तो आप इस लैंग्वेज को आप NA कर सकते हैं. लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3 को आप NA कर सकते हैं. देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको 4 डोमेन और सेलेक्ट करने हैं. तो आप डोमेन 3 के लिए आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए, डोमेन 4 के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए. आपके पास एक्स्ट्रा कोई सिलेबस, एक्स्ट्रा कोई कोर्स है क्लास 12th के अंदर, तो आप उसको डोमेन 5 और डोमेन 6 में डाल दीजिए. यहाँ पर हर डोमेन का जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का है एंड हर डोमेन 45 मिनट्स का है. तो एट मैक्स जो आपका ड्यूरेशन जा सकता है फॉर द आफ्टरनून शिफ्ट इज 3 hours and 45 minutes. कमिंग टू सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस के केस में ये हमारी सारी 33 लैंग्वेजेस हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी सेज दैट यू हैव टू अपियर इन एटलीस्ट वन पर्टिकुलर लैंग्वेज. आपको वह एग्जामिनेशन देना ही देना है. For most of you, for most of the students that I meet, it's usually English. But अगर आपके पास हिंदी भी है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं. Then, coming to your domain specific subjects. Domain specific subjects, as I told you, are divided in case of Delhi University into two lists. List B1 has 18 subjects. Now these 18 subjects are the most prominent subjects जो आपके 12th में होते हैं. सो दीज आर दी लिस्ट. और ये B1 और B2 समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप B1 से तो आप कितने भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, बट जब आपका इवैल्यूएशन होगा बेस्ट ऑफ 4 का या बेस्ट ऑफ 3 का, बेस्ट ऑफ 4 का इन जनरल, तो आप B2 से सिर्फ यूजली एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं. तो इसीलिए आपके पास अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप भर दीजिए, बट यूजली लिस्ट B2 से हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपका लेंगे जिसके भी बेस्ट मार्क्स होंगे. तो ये लिस्ट B2 के सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके लिस्ट B1 के सब्जेक्ट्स हैं. लिस्ट B2 में आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट B1 में आपके पास 18 सब्जेक्ट्स हैं. टोटल 27 सब्जेक्ट्स हो गए. देन कमिंग टू द पार्ट ऑफ जनरल टेस्ट. सो दिस जनरल टेस्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज कंपलसरी फॉर BBE, BBA, FIA एंड बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑप्शनल फॉर BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम. I'll just talk about these details as well. Now, coming to these
CUET स्पेसिफिक कोर्सेज की, हर कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है. तो अगर ये मैं पांच पॉपुलर कोर्सेज की बात करूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स, अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड फिलोसफी ऑनर्स, ये टिपिकल कोर्सेज, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में कोर्सेज रहते हैं ह्यूमैनिटीज साइड में. इन सब का रिक्वायरमेंट काफ़ी सिमिलर है और इनका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक लैंग्वेज पेपर कंपलसरी है. मेक श्योर मैंने नीचे सारे कोर्सेज डाले हुए हैं कि इन कोर्सेज के लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट है, एक लैंग्वेज कंपलसरी है. और आप तीन सब्जेक्ट ले सकते हैं लिस्ट B1 से, मिनिमम है ये, मिनिमम कि तीन सब्जेक्ट है. अगर आपने पांच लिए हुए हैं तो उन पांच में से बेस्ट थ्री लिए जाएंगे. और आप, या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 और एक फ्रॉम B2. सो फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिकल एजुकेशन है और आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें हम फिजिकल एजुकेशन लिस्ट B2 से ले लेंगे और बाकी दो सब्जेक्ट्स हम B1 से ले लेंगे. तो इस कॉम्बिनेशन से आपको ये डोमेन्स आपके चूज किए जाएंगे फॉर बेस्ट, द बेस्ट डोमेन्स विल बी चूजन फॉर यू. बट ये आपका कॉम्बिनेशन होगा फॉर दीज कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड जो जनरल टेस्ट है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम जस्ट गोइंग टू कवर मोर और लेस द कोर्सेज विच आर से मोर ऑफन टेकन अप. बाकी सारे कोर्सेज के लिए यू हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड NTA की वेबसाइट पे भी मैं आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा अभी. एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ दीज फोर सब्जेक्ट्स, एक लैंग्वेज और तीन डोमेन. देन कमिंग टू मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी इज इकोनॉमिक्स. Not just because I teach economics honors, but the cutoffs and the popularity says it that economics and mathematics are a popular set of courses. इसके लिए थोड़ी peculiar है eligibility. इनके लिए eligibility है कि आपका language तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, but apart from language you also need to take up mathematics. तो आपका maths लेना compulsory है, which essentially translates into the fact कि आपके पास क्लास 12th में मैथ्स भी होना चाहिए. सो क्लास 12th ये आपका जो मैथ्स का पेपर है वो आपका कंपलसरी हो जाएगा. वो मैथ्स बाय व्हेन आई से मैथ्स आई मीन मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स. एंड उसके अलावा आप दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 से लेंगे या फिर एक लिस्ट B1 से और एक B2 से. हम इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आपके मार्क्स देखेंगे. तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो है और लैंग्वेज आपके पास है, तो हम आपका मैथ्स का पेपर ज़रूर देखेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से आपके जो बेस्ट टू सब्जेक्ट्स होंगे वो ले सकते हैं. और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन भी है तो हम इन चारों में से हम देखेंगे कि किस में बेस्ट टू आपके आ रहे हैं. तो इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट्स हम चूज़ करेंगे और जनरल टेस्ट इसके लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. एंड द मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ दीज फोर, वन लैंग्वेज एंड थ्री डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव ऑफ मैथमेटिक्स. देन कमिंग टू प्रोग्राम कोर्सेज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी. नाउ ये जो प्रोग्राम है, ये कोर्सेज जो हैं, अब अगर आप जो आपका नया अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रेमवर्क है, बाय द वे ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फ्रेमवर्क्स हैं इसके अंदर अब आपके पास ये फोर ईयर मॉडल भी आ रहा है जिसके अंदर आप मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर आप कर सकते हो. इसमें आपका माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स आ गए हैं. सो वी माइट हैव अनदर वेबिनार ऑन द डिटेल्स ऑफ वो माइनर सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, मेजर सब्जेक्ट कैसे मिलेगा. हाउएवर अगर आप ये प्रोग्राम कोर्सेज अगर आप ले रहे हैं, तो ये जो दो प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, इसमें दो तरीके हैं आपके एडमिशन लेने के. अब वो दो तरीके कैसे हैं? पहला तरीका है कि आप एक लैंग्वेज लेंगे जो आपको इन एनी वेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कंपल्सरी है, और तीन सब्जेक्ट लेंगे लिस्ट B1 से. या तो आप तीन सब्जेक्ट ले लीजिए B1 से या फिर दो B1 से और एक B2 से. हम इस तरीके से चूज़ करेंगे जैसा अभी हम करते आए हैं. और इस केस में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और आपका हम जो मेरिट देखेंगे वो बेस्ट ऑफ दीज फोर देखेंगे, एक लैंग्वेज और तीन डोमेन. या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए और एक ही सब्जेक्ट हम लेंगे लिस्ट या B1 से या B2 से, बट इन दैट केस आपका जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है. तो इसीलिए मैं पेरेंट्स को यू सबसे ज़्यादा एम्फेसिस से बोल रहा हूँ कि आप जनरल टेस्ट दे दीजिए. नहीं प्रिपेयर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रिपेयर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है. आपके पास एक अल्टरनेटिव एटलीस्ट ऑप्शन खुल जाएगा उस चीज़ का. सो इस केस में हम ये मेरिट जो लेंगे वो तीन सब्जेक्ट में लेंगे, लैंग्वेज प्लस डोमेन
प्लस आपका जनरल टेस्ट. देन कमिंग टू कॉमर्स कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, अगेन दिस इज अ फ्लैगशिप कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इन दिस केस हम एक लैंग्वेज लेते हैं. नाउ द पिक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज कि हम या तो मैथ्स या अकाउंटेंसी कंपल्सरी देखेंगे. दैट मीन्स आपको ये दो सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है. सो इन दैट केस, सो कई कई बार मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या एक PCM का बच्चा BCom ऑनर्स कर सकता है? यस ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि उसने मैथ्स पढ़ा हुआ है. तो आपको मैथ्स या अकाउंटेंसी आपने पढ़ा होना चाहिए और उनमें से एक तो हम डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम दो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं B1 से या फिर एक लिस्ट B1 से और एक लिस्ट B2 से. तो आपका जो मेरिट बनेगा वो बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स पे बनेगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, और उन 3 डोमेन में से मैथ्स और अकाउंट्स कंपलसरी होगा ही होगा. उनमें से एक तो कंपलसरी होगा ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है. आप दोनों भी ले सकते हैं बट एक कंपलसरी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव दीज काइंड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन और यू कैन से मैनेजमेंट बेस्ड कोर्सेज, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन. BBE इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ से कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. एंड देन यू हैव BBA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का एनालिसिस का एक कोर्स है स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर लुकिंग इन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स एंड बैंकिंग प्रोफाइल्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफाइल्स. तो उसके लिए हमारा BBA FIA कोर्स है एंड बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. इन तीन कोर्सेज के लिए आपके पास लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है. डोमेन में आपको मैथ्स लेना ही लेना है, कंपलसरी है आपको पास डोमेन. एंड देन जस्ट अ सेकंड, जनरल टेस्ट इस केस में रिक्वायर्ड है. सो आपको अगर इन तीन कोर्सेज में से किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको मैथ्स आपके पास होना चाहिए और आपको डोमेन में वो डालना पड़ेगा और जनरल टेस्ट को आपको येस करना पड़ेगा. एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स. कमिंग टू साइंस कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, अगर अगेन मैं साइंस में डिटेल में नहीं गया हूँ बट साइंस में यूजुअली जो एलिजिबिलिटीज़ हैं आपको, अगेन आपको सारे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज़ चेक करने पड़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर NTA की वेबसाइट पे. हाउएवर यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो ये है कि या तो वो PCB मांग रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांग रहे हैं आपको आपसे, प्लस 30% एट मिनिमम मार्क्स. वो ये नहीं कह रहे कि हम इंग्लिश लेंगे या लैंग्वेज लेंगे, हम कह रहे हैं जो भी आप लैंग्वेज लोगे उसमें मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए. उसके अलावा वो सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 30% लैंग्वेज में आपके होने चाहिए और कॉम्बिनेशन विद इधर PCB. फॉर एग्जांपल अगर आप बॉटनी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास PCB, आपको PCB लेना है. बट अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास PCM होना चाहिए. तो PCM आपको चाहिए प्लस 30% इन द लैंग्वेज दैट यू आर चोजन. तो ये आपके जनरल साइंस स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, BSc वाले जो कोर्सेज हैं उसके. अनदर स्लाइड दैट आई हैव पुट इन, सिंस अ लॉट ऑफ स्कूल टीचर्स एंड वॉट्स हैव ऑल्सो जॉइंड इन एंड स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रोफेसर ज्योति रायना मैम, आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर स्लाइड वेयर यू हैव दिस BLED कोर्स फॉर एजुकेशन के लिए जो होता है. एंड इसमें पहली बात तो इसमें सारे के सारे वुमेंस कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और इसमें आपके पास एक लैंग्वेज है और आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं B1 से, लिस्ट B1 से, या फिर आप एक लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एक फ्रॉम B2 ले सकते हैं. ये आपका क्राइटेरिया है फॉर BLED में एडमिशन लेने का. नाउ अ मेजर पार्ट ऑफ द डिस्कशन, स्पेशली जो मैं क्लास 11th एंड अब 12th के बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे सब्जेक्ट्स लीजिए, बट जिनका ऑलरेडी सर पे आ गया है ये NTA का एग्जाम, CUET का एग्जामिनेशन, उनके लिए आप किस तरीके से आप सोच के डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा कोर्स में एडमिशन लें, तो आपको पहले करियर गोल सोचना है. आपको एक बैकवर्ड इंडक्शन की एक गेम खेलनी है कि पहले मैं करियर से मैं क्या चाहता हूँ. करियर में मैं प्रोफेशनल करियर चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज के लिए ओपन चाहता हूँ, मैं रिसर्च चाहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब चाहता हूँ. आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मुझे करियर में अपना क्या करना है. अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं सिविल सर्विसेज, RBI, IBPS, बैंकिंग, इस तरीके के आपके पास अगर आपके एस्पिरेशंस हैं उसके हिसाब से आपके पास पर्टिकुलर कोर्सेज आपको चूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको
डेफिनेटली इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज़ करना चाहिए. अगर आप ह्यूमैनिटीज साइड से आ रहे हैं और आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस बिकम्स एन वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इन इन यूपीएससी एज वेल. सो देयरफॉर यू नीड टू चूज़ योर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू कोर्सेज, अकॉर्डिंग टू योर करियर नीड्स. सिमिलरली अगर आपको रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए आप सोच सकते हो कि आप मुझे कौन से कोर्सेज मेरे लिए बेटर हैं, स्पेशली साइंसेज के लिए. और आप सोच सकते हो कि अगर मुझे मास्टर्स कहाँ से करनी है, पीएचडी कहाँ से करनी है, वो सारे ऑप्शन सोच के आप अपना कोर्स अभी चूज़ कर सकते हो. देन कॉर्पोरेट जॉब के हिसाब से, एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑल्दो ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, बट कुछ कोर्सेज कॉर्पोरेट जॉब के लिए बेटर टेथर्ड होते हैं. जैसे जो मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, या इकोनॉमिक्स का कोर्स हो गया, या बीकॉम का कोर्स हो गया, दे ट्रेडिशनली मोर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड एज कम्पेयर टू से अ टिपिकल साइंस कोर्स फॉर दैट मैटर, विच इज़ मोर रिसर्च ओरिएंटेड पर से. सो उस हिसाब से आप देख सकते हैं. एंड प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो कौन सा कोर्स आपको बेटर रहेगा, लॉ बेटर है, लॉ करनी है, सीए करना है, या कोई वोकेशनल कोर्स करना है, तो उस हिसाब से आपको अपने अभी से करियर चॉइसेस सोचने पड़ेंगे. एंड उसी हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी. तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपको और आपको इकोनॉमिक्स करना है, तो डेफिनेटली अभी से आप मैथमेटिक्स पे आप काम करना शुरू कर दीजिए. देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर डोर वेज टू एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच इज़ ECA, वार्ड, यू हैव दिस वार्ड कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वार्ड्स हैं, देन यू हैव स्पोर्ट्स कोटा. और इन केसेज के अंदर, ECA एंड स्पोर्ट्स स्केल केसेज के अंदर, 75% वेटेज विल बी गिवन टू सर्टिफिकेट्स, ट्रायल्स और परफॉर्मेंस, एंड ओनली 25% वेटेज विल बी गिवन टू CUET. हाउएवर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो CUET देना ज़रूरी है, चाहे आप माइनॉरिटी कॉलेज में जा रहे हो या नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, चाहे वो आप किसी कोटा से आ रहे हो, आपके लिए CUET इज़ अ कंपल्शन. देन सो आई ऑल्सो गाइड स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विसेज, सिंस आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड टीचिंग एट लबासना वेयर टू द IAS प्रोबेशनर्स. सो आई ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू सेलेक्ट देयर ऑप्शनल एंड हाउ टू सेलेक्ट देयर कोर्सेज बेटर, स्पेशली इन द 4-year प्रोग्राम जो अब आ रहा है, उसके अंदर आप किस तरीके से अपना वो 4-year प्रोग्राम को अच्छे से प्लान आउट कर सकते हैं कि आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन या रिसर्च का, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन जो है, अगर आप रिसर्च में भी जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको प्लान आउट करना चाहिए अपना प्रोग्राम. नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट जो मुझे आज कवर करना था, कि आप फॉर्म में कैसे भरेंगे. अगर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है. अब यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा, तो आप मैं अभी सीधा आपको यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस में आपको सीधा दिखा रहा हूँ. शुरू में आप सारे फॉर्म भरेंगे, सारे डिटेल्स भरेंगे. मैं एक जगह आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर आप स्पोर्ट्स कोटा अगर आप भरना चाहते हैं, NCC कोटा भरना चाहते हैं, तो उसके आपकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. बट पहले मैं आपको कोर्सेज दिखा दूँ कि कोर्सेज आप कैसे सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास मेंशनड है, ठीक है. सपोज़ आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करा कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पर कोर्सेज आएंगे. जैसे मैंने यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स लिया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स भी लेना चाहता हूँ, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे और उसको ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर आपके पास एलिजिबिलिटी भी साथ से खुलती हुई आ रही है कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और Section 3 कंपलसरी है. देन मैं चाहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी ऐड करूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी ऐड कर दिया, ठीक है. फिर मैं चाहता हूँ कि अच्छा मुझे शायद से UPSC भी देना है, कि मुझे हिस्ट्री भी लेना है, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स भी यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, BA प्रोग्राम हिस्ट्री. तो इस तरीके से मैं सारे कोर्सेज यहाँ पर चूज़ करता हो जाऊँगा. अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि हर यूनिवर्सिटी का अलग होगा. अब देखिए मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ इसकी जगह पे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. अब यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री चूज़ करता हूँ, तो देखिए आपका ऑप्शन चूज़ हो जाता, चेंज हो जाता है. जैसे मैं यहाँ हिस्ट्री डालूँगा, तो हिस्ट्री के लिए वो कहता है कि सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए. तो इसीलिए आपको ये सारा का सारा आपको लिस्ट आपको बनाना है. फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी करना चाहते हो, तो साइकोलॉजी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये भी अप्लाई करेंगे, यहाँ का भी साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे. कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, बट आप उनकी NIRF रैंकिंग देख सकते हैं, NAC रैंकिंग देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी हैं. एंड कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो सीधा इंटीग्रेटेड MSc ऑफर करती हैं. फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी अच्छा कॉलेज है,
बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, एंड इसमें 5 साल का एक इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और वो कहता है कि मुझे इकोनॉमिक्स में पेपर चाहिए डेफिनेटली, तो दैट मीन्स आपको इकोनॉमिक्स का पेपर लिखना ही लिखना है और इंग्लिश का पेपर लिखना है और साथ में जनरल टेस्ट देखना है, तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है। सपोज़ मैंने अब ये सारे के सारे कोर्सेज चूज़ कर लिए कि मुझे यही कोर्सेज चाहिए, तो मैं उसको प्रीव्यू कर दूंगा, और प्रीव्यू करने के बाद मेरे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए कि मैंने ये कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है और मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर वो मुझसे उसको कहेगा कि मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर अब आपके पास आ जाते हैं फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स को कई बार इशू हो रहा है कि फर्स्ट स्लॉट में क्या भरें। तो फर्स्ट स्लॉट में सपोज़ मैंने इंग्लिश भरा, इंग्लिश लैंग्वेज ली हुई है, तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ व्हाट आई एम टेकिंग। देन उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सपोज़ मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देना चाहता हूँ और फिर मैं मैथमेटिक्स का देना चाहता हूँ, जैसे मैं आपका मैथमेटिक्स इज फाइन मैथमेटिक्स, यस मैथमेटिक्स, और जनरल टेस्ट को मैंने कर दिया यस। तो इस तरीके से आपने ये अपना पहले दो डोमेन भर दिए और आपने लैंग्वेज भर दिए। उसके बाद अब ये पूछता है कि इन एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 और B1, दिल्ली यूनिवर्सिटी केस में तो खैर एक ही लिस्ट है, बट अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है आपको लेनी है तो आप वो ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी उन बच्चों को जिन्होंने वो लैंग्वेज ले, सो फॉर एग्जांपल आप जर्मन में आप अपनी डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट जिन्होंने जर्मन में एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है कोई कोर्स नहीं करना तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, एंड आपको अगर कोई और तीसरी लैंग्वेज लेनी है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डोमेन 3 और डोमेन 4 लेने के लिए। मैं अभी फ़िलहाल एक कॉमर्स एस्पिरेंट की तरह वो कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लिया और फिर मैंने यहाँ पर अकाउंटेंसी ले लिया है, और से मेरे पास एक और सब्जेक्ट है विच इज़ से फिज़िकल एजुकेशन, तो मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया। और डोमेन के पास मेरे पास एक और कोई सब्जेक्ट है से लीगल स्टडीज़, होम साइंस, फाइनेंस, तो मेरे पास ये सब्जेक्ट है, मैंने ये वाले सब्जेक्ट्स ले लिए, एंड आप इसको टिक करेंगे और सेव करेंगे तो आपके पास ये स्लॉट आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। एंड अगर कोई आप गलती करते हैं यहाँ पर और सबमिट कर चुके हैं, अगर सबमिट नहीं करा तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप कोई गलती करते हैं और आपने सबमिट कर दिया है तो उसका फिर निवारण सिर्फ यही है दैट यू वुड हैव टू चेंज दीज यू वुड हैव टू मॉडिफाई दीज डिटेल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ करेक्शन विंडो। तो 6 मई के बाद जब करेक्शन विंडो NTA देगा तब आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती करी है तो। देन उसके बाद वो आपसे मीडियम पूछेगा, मीडियम मेरे केस में इंग्लिश है, अगर आपको कोई और मीडियम में देना है तो दे दीजिए। और यूजुअली वो आपको कहेगा आपका, मैंने जैसे यहाँ पर नेटिव स्टेट अपना दिल्ली डाला हुआ तो वो आप दिल्ली दे लीजिए, और दिल्ली के अंदर वो आपको कहेगा कि सेंटर दे दीजिए, फिर आपको कहेगा कि सेकंड प्रेफरेंस दीजिए, तो मैंने कहा सेकंड प्रेफरेंस भी दिल्ली है, बट वो आपको सेकंड प्रेफरेंस ऐसे लेने नहीं देगा, तो इसीलिए आपको पहला प्रेफरेंस दिल्ली लेके आप दिल्ली लेंगे। फिर दूसरे प्रेफरेंस में सपोज़ मैंने हरियाणा बोला और हरियाणा में मैंने कहा चलो गुरुग्राम ले लेते हैं, फिर थर्ड प्रेफरेंस में मैंने फिर से हरियाणा लिया और मैंने फरीदाबाद ले लिया, तो आपको आपकी सैटेलाइट सिटीज़ टाइप मिल जाए अगर आपको खुद की अपनी सिटी नहीं मिल रही। फिर मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया और उसमें मैंने नोएडा ले लिया, तो इस तरीके से मैंने अपने ऑप्शंस भर दिए एंड इसको सेव कर दिया और ये सारी मेरे पास डिटेल्स आ गई। फिर ये आपसे आपका कैंडिडेट का फ़ोटो एंड सिग्नेचर मांगेगा, एंड फाइनली ये आपके पास लास्ट जो स्टेप है वो प्रीव्यू का होगा और उसके बाद फ़ीस के लिए बात करेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है इस चीज़ का। नाउ अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो CUET की वेबसाइट पे आपको यहाँ पर सारे सिलेबस मिल जाएंगे, सो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए यहाँ पर जाके आप सारे सिलेबस डाउनलोड कीजिए, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप देखिए कि आपका 12th के साथ कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा 11th के साथ अगर कुछ है तो मैच कर रहा है, बट आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और अगर आप कोई यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी आपके पास गिवन है और उसकी सारी एलिजिबिलिटीज़ गिवन है, तो यहाँ पर नीचे आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऊपर दे रखी हैं, तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ तो मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज यहाँ पर दिख जाएंगे।
ये सारे कोर्सेज हैं, उनकी सारी एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पर मैंशनड है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स के लिए कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रीड दी FAQs इज़ अ गुड डॉक्यूमेंट हेयर, आप FAQs भी पढ़ सकते हैं, एंड अगर कोई आपका प्रॉब्लम है तो वो FAQs में एड्रेस्ड होगा। इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम देन आई थिंक आई मीन आई यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो विद दिस आई थिंक वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकेंड। Thank you, Mr. Rathore. Thank you, ma'am. I would like to. मैम आई विल रीड द क्वेश्चन, आई कैन रीड, आई हैव द क्वेश्चन, तो मैं एक बार उनको एड्रेस करता हूँ। ठीक, ओके, सो BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए जनरल टेस्ट इज नॉट नेसेसरी एज आई नो, लेट मी जस्ट रीड द BOI और लेट मी जस्ट शो इट टू यू। कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, इट्स द डिटेल्स आर मेंशनड हियर बाय द वे, बट just in case if you want to check the details will be here। computer science, computer science ke liye aapke paas section, aapko language leni hai, mathematics compulsory hai aur baki do jo languages hain wo se lena, to general test compulsory nahi hai, but as I've told you ki aapko dena chahiye kyunki aapki aur courses ke andar aur universities ke andar eligibility badh jayegi। then BBA ke liye main Amisha already bata chuka hu। then Soumya's question, I am a PCB student BSc biotechnology। मिशा, बायोटेक्नोलॉजी के लिए यू नीड टू रीड द बायोकेमिस्ट्री, आई थिंक आपको एक बार BOI पढ़ लीजिए, BOI के अंदर ये डिटेल्स मेंशन होगी। लेट मी जस्ट फाइंड, BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास आप BOI एक बार पढ़ लीजिए, उसके अंदर BSc बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन होगा। कैन वी गिव टेस्ट इन लैंग्वेज दैट वी डिड नॉट हैव इन क्लास 12th? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम वही कंसिडर करेंगे जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ी है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपने जर्मन नहीं पढ़ी हुई है बट आप जर्मन में टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इन दैट जर्मन दिस थिंग, गिवन कि आपके जर्मन में मार्क्स बेटर हों। ठीक है, तो आपको वो जर्मन का अगर या कोई लैंग्वेज अगर आप कोई चूज़ करते हैं तो उसकी लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। फॉर ऑप्शनल टेस्ट द क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस। देन शिवम प्रताप्स क्वेश्चन, हमें यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी? आपके जो स्कोर आएगा यहाँ पर वो NTA का काम सिर्फ यह है, स्कोर देना और उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करना। अब यह परसेंटाइल क्या होता है कि सपोज़ 100 बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से आपकी जो रैंक आई है वो 95 है, दैट मींस कि 5 बच्चे आपसे ऊपर हैं और बाकी 95 बच्चे आपसे पीछे हैं, 94 बच्चे आपसे पीछे हैं, तो उस केस में आपका जो परसेंटाइल हो गया वो 95 परसेंटाइल हो गया। तो आपके स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ऑन बेसिस ऑफ दैट उसके बाद व्हाट एटलीस्ट व्हाट मेक सेंस इज़ दैट कोर्स वाइज काउंसलिंग होगी, कि इकोनॉमिक्स की काउंसलिंग हो रही है, बीकॉम की काउंसलिंग हो रही है, और जिनका सबसे पहले प्रोबेबली जिनका सबसे हायर परसेंटाइल है उनको बुलाया जाएगा, उनको पूछा जाएगा कि काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो लोग कहेंगे कि हमें सेंट स्टीफन्स चाहिए या हमें SRCC चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलेजेस फेल होंगे। तो उस तरीके से प्रोबेबली, अगेन दिस इज समथिंग दैट मेक्स लॉजिकल सेंस बट आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज दीज डिटेल्स आर येट टू कम, बट आइडियली दिस इज हाउ इट शुड बी डन, आई थिंक सो। देन then comes the question of detailed psychology, I have already talked about. For BA
बीए के लिए कंपलसरी नहीं है, बीए अगर आप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं बट आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा इसलिए आप देना चाहिए आपको. सो आई एम सॉरी आई एम नॉट फ्रॉम साइंसेज सो आई हैव नो क्लू अबाउट बायोमेडिकल एंड बायोकेमिस्ट्री. यू हैव टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस फॉर ए करियर ऑप्शंस आफ्टर दैट. अच्युतम पांडे, अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट ही भरा है तो आप इनएलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसलिए जब आपके पास करेक्शन विंडो आएगा प्लीज़ फिल आफ्टरनून शिफ्ट एज वेल. आप इनएलिजिबल हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए. देन फॉरेन कोर्सेज का, फॉरेन कोर्सेज के डिटेल्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं या बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट. JNU ऑफर करता है, JNU की वेबसाइट, JNU का जो CVT का रिक्वायरमेंट है उससे देख लीजिए. फॉरेन लैंग्वेजेस वो भी ऑफर काफ़ी कर रहा है. BA ऑनर्स हिस्ट्री एज आई टोल्ड यू, वन लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स. इट इज़ नॉट खुशी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू टेक सब्जेक्ट फ्रॉम B2 लिस्ट. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. इफ़ यू डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B2 इट डजेंट, आई मीन डजेंट मेक एनी डिफरेंस. सो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. If you have to change stream, there is no compulsion. कोई उस पर आपका पेनल्टी नहीं है. अगर आप साइंस से इकोनॉमिक्स जाना चाहते हैं, आपके पास PCM है या PCM है आपके पास, तो आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं. आपको पर मैथमेटिक्स का डोमेन आपके लिए कंपल्सरी है. सर कांट वी फिल ओनली स्लॉट 2 फॉर वन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नॉट फ्रॉम स्लॉट 1? आई डोंट थिंक इट वुड बी एडवाइजेबल बट आई एम नॉट वेरी श्योर. So I would, if I would be in your shoes, I would definitely fill slot 1, language 1. I am not sure what will happen if I take language in the other slot. Shouldn't be an issue, but why take a chance? Sir, I've taken 3 domain subjects, 1 language. I've chosen slot 2 only instead of slot 1. Is that fine? I think it should be fine. Doesn't actually, I mean, एक तो आप बहुत सारे courses के लिए ineligible हो गए अगर क्योंकि आपने general test नहीं भरा. You should be good, 99%. It sounds logical, so shouldn't be an issue, I think so. If any courses have been wrongly failed या कुछ भी change आपको करना है तो correction window आएगा आपका एक हफ्ते का, but remember वो एक हफ्ते का window है, उसके बाद change नहीं होगा, तो आप उस window में change कर सकते हैं. Then Vibhuti's question, sir, what if someone has economic, geography, history, political science and English and want to do economics honors, that person is not eligible since you have not studied economics. What you can do, Vibhuti, is with your options, I'm supposing that you are a UPSC aspirant. In your case, what you can do, aap BA program ke liye eligible hain. और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो GE subjects होंगे और जो economics के subjects होंगे ना, उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप अपना मेजर हिस्ट्री में ले सक मेजर जो है इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, तो और माइनर से हिस्ट्री में ले सकते हैं या ज्योग्राफी में ले सकते हैं डिपेंडिंग कि उस कॉलेज में है या नहीं है. तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस ले सकते हैं एंड वो आपको स्ट्रेटेजाइज करके वो आपको UPSC में भी बहुत हेल्प कर जाएगा. विद योर ऑप्शन आई थिंक दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग फॉर इन योर करियर. इफ अ स्टूडेंट हैज़ टेकन अप्लाइड मैथमेटिक्स, येस यू कैन अप्लाई फॉर BCom ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. BTech, IT and MI, Vipin ji, I have no idea. I am not from this particular field, but the BOI is right in front of you. You can read the BOI. Then, list B2, मैं आपको दिखा देता हूँ. Political Science, Honors, okay. अगर आपके पास मैथ्स नहीं और आपने फिल कर दिया है BBFI, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप इनएलिजिबल हैं. मतलब सिंपल सी बात यह है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनएलिजिबल हैं सिंपल. उसमें आपको कोई आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं. यस कैन आई अप्लाई इट एज माई डोमेन. आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात के बारे में बात कर रहे हैं और आपको साइकोलॉजी आपके पास क्लास 12th में नहीं है, तो आप उसको डोमेन नहीं ले सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी केस में. बट आप साइकोलॉजी ऑनर्स में फिर भी एडमिशन ले सकते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी में भी ले सकते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लेना ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट आप ले भी नहीं सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए. ECA कैटेगरी के लिए आई जस्ट शो इट टू यू. ECA कैटेगरी का, दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अबाउट.
मैं आपको ईसीए का दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ये आपको बेसिक डिटेल्स जब आप भरेंगे तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना डिटेल्स भरा हुआ है। देन ईसीए के लिए जो आप बात कर रहे थे, ये देखिए, अगर आप एनसीसी को क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एनसीसी के फॉर्म के सेकंड पेज पे आ जाएगा, एनसीसी को आप यस कर दीजिए। स्पोर्ट्स कोटा अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कोटा के केस में, बाय द वे ईसीए के लिए यहाँ पर अभी पूरे फॉर्म में कुछ नहीं है, आई थिंक वो स्पोर्ट्स के अंदर ही शायद से वो इंक्लूड हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, इसके नेक्स्ट फेज में या तो कुछ आएगा, बट मुझे कहीं पर भी ईसीए के बारे में कहीं फॉर्म में कुछ नहीं मिला। बट अगर आप स्पोर्ट्स कोटा को यस करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि ये इनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनिवर्सिटी लेवल, या फिर आपका फर्स्ट से थर्ड पोजीशन आया है इन एट नेशनल्स, या फिर आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल्स के अंदर, या फिर आपने ऑल इंडिया इंटरजोनल और उनमें आपका फर्स्ट से थर्ड आया है, या फिर आपने जोनल इंटर यूनिवर्सिटी कुछ करा है उसमें आपका फर्स्ट से फोर्थ आया या अदर, तो इनमें से आपको चूज़ करना है फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। एक और जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए वार्ड कोटा, जिसको हम बोलते हैं वार्ड कोटा के लिए आपको यहाँ पर फादर या मदर के केस में आपको यस करना है। उस केस में आप यूनिवर्सिटी का दिल्ली यूनिवर्सिटी आप डालेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जैसे मेरे फादर का मैंने अपना कॉलेज डाला हुआ है श्यामलाल कॉलेज। एम्प्लॉय आईडी अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई एम्प्लॉय आईडी है तो आप डाल सकते हैं। फादर का डेजिग्नेशन और रिटायर्ड हैं कि वो करंटली वर्किंग है वो आप डालेंगे, एंड मदर भी, जैसे मैं इन माय केस माय मदर इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, तो उस केस में आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इसका इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। एंड फाइनली अगर आप देखें तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के आपके मार्क्स और वो सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो आप वो डिटेल्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कॉलेज कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पहले एनटीए के मार्क्स आएंगे, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू चूज सब्जेक्ट फ्रॉम B2, बट इफ़ यू हैव स्टडीड एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B2 एंड इफ यू स्कोर हाई दैट विल बी टेकन अप, यू कैन गो फॉर ओनली B1 सब्जेक्ट्स। लक्ष्यता कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने भर दिया है और आपके पास मैथ्स नहीं है आप सिंपल इनएलिजिबल हो। विपिन जी, मुझे CIC का BTech के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ बाद में। यस, यू कैन गिव दी पेपर्स इन डोमेन इन हिंदी सब्जेक्ट एज वेल, दैट इज़ एन ऑप्शन, आप बिल्कुल दे सकते हैं। इनफैक्ट आप 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल, यस शमी प्रणा जी, इट इज़ नॉट अवेलेबल। मुझे भी ये दिक्कत फेस हुई है कि ECA का कोई कैटेगरी नहीं मिला है मुझे। सर, आई हैव PCB एंड आई वांटेड टू परस्यू केमिस्ट्री ऑनर्स। यस, यू आर नॉट एलिजिबल प्राची, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर केमिस्ट्री ऑनर्स, बिकॉज केमिस्ट्री ऑनर्स रिक्वायर्स मैथ्स टू हैव बीन स्टडीड इन क्लास 12th एंड मैथ्स विल बी अ कंपल्सरी डोमेन टू टेक अप। PCM है इस केस में। ओके, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं मोहित, अगर आपके पास संस्कृत है तो आप संस्कृत को एज ए डोमेन भी ले सकते हैं, बिल्कुल। युवराज, आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लीजिए, बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 4 लीजिए, क्योंकि आप 12th में तो 5 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, आप पाँचों सब्जेक्ट वो चूज़ कर लीजिए इंक्लूडिंग लैंग्वेज, बिकॉज इट विल हेल्प यू डाइवर्सिफाई योर ऑप्शंस, जस्ट इन केस कोई पेपर खराब हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन है। कैन आई अपडेट कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज आफ्टर फाइनल सबमिशन, दैट यू कैन ओनली डू निशांत इन द करेक्शन विंडो।
बीबीए के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट, ये तो आपको ये तीन कंपल्शंस हैं। येस यू हैव टू फिल करो ना बोथ स्लॉट्स इफ़ यू वॉन्ट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर वॉट कैन बी ईजी सब्जेक्ट्स टू चूज इफ़ यू आर चेंजिंग स्ट्रीम्स फ्रॉम, इसमें ईजी और टफ की मैं नहीं बोल सकता, आप सारे सब्जेक्ट्स दे दीजिए और तीन को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लैंग्वेज और तीन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप इन एनी वेज बोर्ड्स का एग्जाम दे ही रहे हैं तो चौथा सब्जेक्ट देने में क्या प्रॉब्लम है, 45 मिनट्स ही तो बैठना है आपको, तो आप वो भी दीजिए। बीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जनरल टेस्ट बेनिफिशियल इन द सेंस कंपलसरी नहीं है बट आपको दे देना चाहिए, आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। हरप्रीत आपको साइकोलॉजी नहीं है आपके पास तो भी आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं, जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए हैं वो आप कर लीजिए। मान्या यस यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड स्लॉट टू, क्योंकि स्लॉट टू आपने सिर्फ दो ही डोमेन भरे हैं, दैट मीन्स अगर आपने स्लॉट वन भरा है तो आपने सिर्फ दो ही डोमेन लिए हैं, दो डोमेन से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं सिवाय प्रॉबेबली बीबीए बीबीई और बीएमएस, इसके अलावा तो आप ले ही नहीं सकते। अगर आपने सपोज आपने मैथ्स ले लिया एज डोमेन, इंग्लिश ले लिया और जनरल टेस्ट ले लिया, सिर्फ यही तीन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो गए, बाकी सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों डोमेन भरने, आपको दोनों स्लॉट्स भरने हैं मान्या, और आप करेक्शन विंडो में ये काम कर सकते हैं। यस अमीशा इफ योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर लेस देन योर मेरिट विल बी अफेक्टेड इन बीबीए, क्योंकि मैथ्स जो है वो कंपलसरी ही हम चूज करेंगे आपके डोमेन्स में से, इन योर मेरिट लिस्ट हम मैथ्स लेंगे ही लेंगे, तो आपका मैथ्स वीक नहीं हो सकता। बी ऑनर्स के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिटेल्स हो चुकी हैं, आई विल जस्ट टाइप इन माई डिटेल्स हेयर अगेन फॉर एवरी वन, दिस इज़ माई नंबर, बट प्लीज़ बिफोर कॉलिंग प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दीजिए अपने डिटेल्स क्लास 12th के पेपर्स के साथ में, तब मैं आपके क्वेरी एड्रेस ठीक से कर पाऊँगा। यू डोंट नीड टू फिल ऑल डोमेन्स बट एटलीस्ट फिल ऑल डोमेन्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 12th। फॉर इको ऑनर्स कैन वी हैव मैथ्स एज सिक्स सब्जेक्ट, आई एम नॉट श्योर वट यू मीन बाई सिक्स सब्जेक्ट, बट अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो आपको डोमेन्स में लेना पड़ेगा और आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम कंपल्सरी लेंगे आपके मेरिट लिस्ट के अंदर मैथमेटिक्स को। नो उसका फॉर्म सेपरेटली नहीं भरना, बस उसका वेटेज का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसमें हम 85% जो वेटेज है वो इसके थ्रू है और 15% वेटेज जो है, आई थिंक 15% वेटेज है जो इंटरव्यू टाइप लेंगे वो, ये सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए है, जेएमसी स्टीफेंस आई थिंक योर दिस थिंग खालसा कॉलेजेस, खालसा ग्रुप के तीन कॉलेजेस जो हैं उनके लिए है ये। प्रेरणा आई थिंक यू शुड चूज ऑल कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट, अगर आप PCM स्टूडेंट हैं और आप ऑनर्स करना चाहते हैं और आप से आपको UPSC करना है तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, आप हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, सोशोलॉजी लीजिए, ये टिपिकल पॉपुलर काफ़ी ऑप्शन हैं, स्ट्राइक रेट फॉर दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर अगर आपको रिसर्च करना है तो आप आई थिंक यू शुड गो फॉर से इधर मैथमेटिक्स और फॉर इकोनॉमिक्स और एनी अदर कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हैं, तो डिपेंड ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू। वाई डी यू बी डी यू के अंदर BA LLB नहीं है, इसके अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BA LLB है, आप देख सकते हैं आई थिंक मुंजाल यूनिवर्सिटी है और दो तीन और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आई थिंक BHU में भी शायद से BA LLB BCOM LLB ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं। डी यू के अंदर LLB करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद 3 साल का आपका LLB है। चिराग इफ़ यू वॉन्ट टू फिल मोर यूनिवर्सिटीज़ देन आई थिंक यू शुड वेट फॉर द करेक्शन विंडो। कनिष्का एज आई टोल्ड यू जनरल आपको टेस्ट देना चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शंस और खुल जाते हैं बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो, और आपको मैंने आपको हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी दिखाई BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, ये वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही है उसमें कोर्स, बट वो कहता है कि मुझे जनरल टेस्ट कंपलसरी है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर जनरल टेस्ट दोगे तो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से भी जो दिल्ली के अंदर है,
तो इसलिए आपको देना चाहिए. The date of CBT is not yet decided. It will be either in the first week or the second week of the of July, preferably by the end of first week, because बहुत सारे combinations होने वाले हैं. इसीलिए हो सकता है ये 10 से 15 दिन paper चले, तो इसलिए आपको first week के end में ही शायद से आपका paper शुरू हो जाएंगे. Divyanshi, you can fill that extra subject, but that will not help you in Delhi University. बीकॉम प्रोग्राम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. कैन यू रिमूव अ यूनिवर्सिटी आफ्टर एडिंग इट? येस यू कैन रिमूव किमी, बट लेट इट बी, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फीस से तो फर्क पड़ नहीं रहा, मत लेना एडमिशन. आई एम नॉट श्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे भी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आई एम नॉट श्योर कि बीटेक कुछ हो रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट आई थिंक यू शुड रादर फोकस ऑन योर जेई. The government has not removed it's called Delhi University जो ऑफर करता है वो बी एल एड का कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स अभी भी है मेरे हिसाब से, और डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बी ओ आई में दे रखा है. करेक्शन मनीषा मैम, करेक्शन विंडो जो है वो आएगी आई थिंक 6th of May के बाद में, एक हफ्ते के लिए वो विंडो होगी. एंड कैन अ साइंस स्टूडेंट टेक सोशल साइंसेज? येस, साइंस स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. इनफैक्ट आई एम गिविंग अ लेक्चर on CUET to 11th and 12th standard students in one of the schools in Janakpuri and another college of Assam. और उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे आप चूज़ करेंगे सब्जेक्ट्स 11th एंड 12th के अंदर. अगर आपके पास साइंस का स्टूडेंट हो तो आपके पास एवरीथिंग अंडर द सन आपके पास अवेलेबल है. तो इसीलिए साइंस स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कॉमर्स में जाने का, साइंस स्टूडेंट के पास ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज़ में जाने का, और साइंस में भी रहने का, और जेई भरने का या नीट देने का, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बट ये ऑप्शंस एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के पास नहीं है. ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के पास ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं. तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप साइंस में ठीक है तो यू शुड गो फॉर साइंस, क्योंकि अल्टीमेटली इस बेसिस पर आपका एडमिशन होना है. और रिमेंबर, इस साल आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ ह्यूमैनिटी और सिर्फ आपके नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं है, इस साल आपका कॉम्पिटिशन जेई वाले बच्चों के साथ है, जो जेई भी देंगे और जो सीयूईटी भी लिखेंगे. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑप्शंस आप भर के रखिए, क्योंकि जिसका जेई नहीं होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा. ईसीए कैटेगरी, एज आई टोल्ड यू, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड. पीसीबी के साथ आप केमिस्ट्री ऑनर्स में एलिजिबल नहीं हो. करियर ऑप्शन बाय ह्यूमैनिटीज बैंकिंग फॉर श्योर. फूड टेक्नोलॉजी के लिए युवराज, आई थिंक यू नीड टू गो थ्रू दी बीओआई आप एक बार देख लीजिए, उसमें आपका फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है और मेंशन है. मेघा, अगर आपके पास कॉमर्स है क्लास 12 विद मैथ्स, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ऑफर करता है वो बीएससी ऑनर्स बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करता है, कई यूनिवर्सिटीज बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करते हैं, तो आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़, आपको जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करनी चाहिए. आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड. अकाउंट्स इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर बीबीए एडमिशन. बोथ स्लॉट्स मैं आपको बता चुका हूँ. पूजा का क्वेश्चन, सर इन बी एम एस फॉर डी यू इफ़ वी हैव टू चूज वन सब्जेक्ट, वी हैव टू सूट वन सब्जेक्ट एंड जितने भी आपने डोमेन्स दिए उनमें से बेस्ट डोमेन लिया जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें से मैथ्स लिया जाएगा. डोमेन्स में से आपका मैथ्स एक ज़रूरी है तो मैथ्स लिया जाएगा, और जनरल टेस्ट कंपल्सरी है, तो ये तीन हम लेंगे. फिजिक्स ऑनर्स यू कैन नॉट डू विद पी सी बी, यू हैव टू हैव पी सी एम. करेक्शन विंडो अभी नहीं आएगी, करेक्शन विंडो बाद में आती है. पी सी बी के साथ आई वॉल्ड. कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है प्राची, मैथ्स कंपल्सरी है. इफ़ वी हैव चोजन अ कोर्स विच रिक्वायर्स ओनली 3 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी एंड इंग्लिश, तो 3 सब्जेक्ट ज्योति आप तभी भर पाओगे ना जब आपने डोमेन, जब आपने स्लॉट 2 में कोई सब्जेक्ट लिया होगा. स्लॉट 1 के अंदर तो सिर्फ 2 ही डोमेन है, तो लेना ही है आपको.
चिराग, उसके लिए आपको करेक्शन विंडो पे जाना पड़ेगा। रितिका, दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हेक्टिक है, आई नो इट्स हेक्टिक, तो आप इसलिए आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए, जो आपके पास डोमेन सबसे अच्छे आसे आपके प्रिपेयर्ड है सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद वाले डोमेन ले लीजिए। अब ये आपको देखना है कि आप कैसे भर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एज एन आउटसाइडर कि दिस इज वॉट आई वुड हैव डन इफ आई वॉज इन योर शूज। चोयनिका कर, कॉमर्स विदाउट मैथ्स आप ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं, बट आप इकॉनर्स अप्लाई नहीं कर सकते, और आप BBA, BMS ये सारे कोर्सेज भी अप्लाई नहीं कर सकते। माय डॉटर इज़ डूइंग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, दिस आई डोंट थिंक उत्तम जी, ये ऐसे आपका कोर्स शिफ्ट हो सकता है। इंग्लिश डोमेन अपार्ट फ्रॉम विच आई थिंक मोर और लेस मैम आई हैव कवर्ड ऑल दी क्वेश्चंस दैट वर देयर। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर फॉर इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस सो पेशेंटली। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर राठौर फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू अनीता, गुड नाइट। वी वुड नाउ लाइक टू क्लोज द सेशन। On behalf of Admission Committee and IQAC Gargi College, first of all, I would like to thank Mr. Siddharth Rathore for taking out time for us and explaining the modalities involved in the admission process so clearly. I hope we all have benefited from today's webinar and we have our takeaways from this program today. My heartfelt thanks to our principal, Professor Pramila Kumar, for taking this initiative and supporting us in all our endeavors. This webinar would not have been possible without the support of the IQAC team, which came forward and worked for the successful execution of the webinar. My sincere thanks to Ms. Shailja Modam, the convener of IQAC, and Dr. Anita Bhatt, IQAC member, for all the help and support and reaching out to people, spreading a word for the same. Thank you both for being a part of this program. My thanks are also due to Mr. Anuj Bhagwaj for providing the technical assistance for today's webinar. We appreciate the wonderful audience for the presence here today. Thank you parents, teachers, colleagues, students, alumni for joining us today. Finally, I would like to thank my team, Dr. Renu Agarwal and Dr. Nidhi, for all their help and cooperation. Thank you everyone. Have a great day. Thank you.